प्रदेश में अब मेडिकल और नॉन मेडिकल के शिक्षक भी बीआरसीसी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने बीआरसीसी की नियुक्ति को लेकर पॉलिसी संशोधित कर दी है। पहले जेवीटी टीजीटी आर्ट्स को ही बीआरसीसी बनाया जाता था, अब अन्य शिक्षकों को भी बीआरसीसी बनने का मौका मिल सकेगा। बीआरसीसी पर शिक्षकों और विभाग के बीच सामंजस्य बनाने का जिम्मा होता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को ब्लॉक स्तर पर शुरू करवाने, उनकी निगरानी करने का काम बीआरसीसी करते हैं। शिक्षकों को दी जाने वाली ट्रेनिंग को आयोजित करने का जिम्मा भी इन्हीं पर होता है। प्रदेश में 125 प्राइमरी और 125 अपर प्राइमरी ब्लॉक है। हर ब्लॉक में एक बीआरसीसी नियुक्त किया जाता है। प्राइमरी स्तर पर जेवीटी और अपर प्राइमरी के लिए टीजीटी को बीआरसीसी लगाया जाता है। सीएनबी लेक्चरर और पीजीटी इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। बीआरसीसी की 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। बीए बीएससी बीकॉम में 45% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बीआरसीसी नियुक्त किया जाता है। बीआरसीसी बनने के लिए प्राइमरी स्तर पर शिक्षक का जेवीटी में 45% और अपर प्राइमरी स्तर पर बीएड में 45% अंक होना अनिवार्य किया गया है। 50 साल तक की आयु के शिक्षक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 10 साल तक पढ़ाने का अनुभव रखने की शर्त भी शिक्षकों के लिए लगाई गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय बीआरसीसी का चयन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।